नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आनंदम संस्कृत व्याकरण क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 15 पत्र लेखनम लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। आपकी बुक की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप अपने चैप्टर देख सकते हैं। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, पत्र लेखनम, तो पत्र लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं वो आप समझ लीजिए। इतना तो सबको पता है कि पत्र दो प्रकार के हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल लेटर हमेशा किसे लिखे जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं, टीचर को लिखे जाते हैं, या फिर किसी ऑफिस एडिटर वगैरह को लिखे जाते हैं। और जो इनफॉर्मल होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं, मित्र को लिखे जाते हैं या माता पिता को, भाई बहन को। वो पत्र लिखते समय आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले स्थान, तिथि और पत्र लिखने वाले के साथ आपका क्या रिलेशन है, संबोधन करते हुए उसको किस प्रकार प्रणाम करना है, नमस्ते करनी है, क्या करना है, उसका ध्यान रखना है। पत्र की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जैसे नीचे दो उदाहरण दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए लिखे गए पत्र को मंजुषा में दिए गए शब्दों से पूरा करना है। तो आपको इस बॉक्स में से वर्ड्स उठाकर अपने इस फिलिंग इन द ब्लैंक में फिल करने थे, जो ब्लू कलर के फिल करके दिए हैं। प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए पत्र लिखना था, क्यों, क्योंकि सविनय निवेदन है कि मैं ज्वर से पीड़ित हूं, यानी कि बुखार से पीड़ित हूं, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः दो दिन का अवकाश अनुग्रहण करने मुझे दे दीजिए, आपका विनीत शिष्य, यानी कि आपका प्यारा शिष्य, और नाम है अरुण। फिर भवान अभिषेक है। अब दूसरा पत्र जो लिखा गया है वो किसे लिखा है, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर है ये, जैसे आप हिंदी में करते हैं परीक्षा भवन दिल्ली दिनांक, उसी प्रकार या संस्कृत में भी चलेगा। यहाँ सब ठीक ठाक है, मेरा नामांकन नई विद्यालय में हुआ है, विद्यालय बहुत ही विशाल और सुंदर और एसी वाला है, वातानुकूलित, यहाँ योग्य शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना आपको यहां से उठाने हैं नीचे बॉक्स में से और यहां फिल कर देने हैं, लेटर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ एक उत्तम पुस्तकालय है, यानी कि लाइब्रेरी, जिसमें ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। विद्यालय में खेलने, विद्यालय क्रीडाई महत क्रीडांगनम, विद्यालय में खेलने के लिए बड़ा क्रीडांगन है, यानी कि खेल का मैदान है। यहाँ प्राय सभी प्रकार के खेलों की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण विस्तार से पुनः दोबारा अगले पत्र में वर्णन करूंगा, तब पत्रोत्तरस्य आपके पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ, आपका मित्र अभिषेक। ठीक है, इसी प्रकार अब आइए नीचे अभ्यास कार्य में बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं अध्ययन की प्रगति के विषय में, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में भाई को पत्र लिखना है। भाई को पत्र लिखना है, इट मींस ये इनफॉर्मल लेटर है, उसका एग्जांपल आपको ऐसे ही, यानी कि आपको फॉर्मेट लिखना है कि आगरा शहर है, आगरा तय, दिनांक लिखी, आदरणीय भ्रात है, यानी कि भाई को लिखा है, सप्रेम नमो नमः, प्यार पूर्वक नमस्कार, यहां सब कुशल है, वहां ठीक है, वहां ठीक होगा। अद्यत्वे, आजकल मैं अपना अध्ययन और गृह कार्य ध्यान से करता हूं, विभिन्न विषयों के पाठों को सम्यक रूपेण करोमि, समय से पूरा करता हूं। अब विभिन्न विषयों के पाठों का सम्यक नहीं है बच्चों, यहां स्मरणम नीचे से ऑप्शन आप ले लीजिए एरो लगाकर, विभिन्न विषयों के पाठों को याद मैं समय से करता हूं। अब गणित भी कठिन नहीं है, आप को चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका अनुज, यानी कि विहान है, विहान जो है वो आपका नाम है, अनुज मतलब छोटा भाई। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला एग्जांपल क्या कहता है, मित्र को विद्यालय के विषय में लिखे गए पत्र को मंजुषा की सहायता से पूरा करो। बॉक्स में लिखा है 81 मन तत्रास्तु योग्या दिलीत और विनम्र है, मुंबई तय, वैसे ही लिखना, परीक्षा भवन आगरा सॉरी दिल्ली, जो भी आप लिखते हो दिनांक, और प्रिय मित्र राघव नमो नमः, यहां कुशल है। मम पितु, मेरे पिता का स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई हुआ, मैंने एक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया, कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, प्राप्तवान, ठीक है। अत्र, यहां प्रधानाचार्य बहुत ही विनम्र हैं, शिक्षक बहुत योग्य हैं, अपने घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा अभिन्न मित्र रुचिका, तुम्हारी अभिन्न मित्र रुचिका। मित्र को लिखे गए वर्धापन पत्र को मंजुषा की सहायता से पूरा करना है, बधाई पत्र लिख रहे हो आप वाराणसी से, वाराणसी तय, दिनांक, प्रिय मित्र संस्कार नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु,
पत्रम, तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यत भवान, क्योंकि आपने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एतत, ये तब तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। परिश्रमस्य का मतलब काके की, तो यहां पर विभक्ति कौन सी लगी है, षष्ठी। ये तुम्हारे परिश्रम का ही फल है, मेरी बधाई स्वीकार करो। अपने घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र सक्षम। मित्र के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा कीजिए। फॉर्मेट लिखने के बाद यहां सब कुशल है, वहां ठीक होगा। भवान जाना तू, आप जानते ही हैं मम जन्मदिवस है, मेरा जन्मदिन रविवार को है। घर में पूजा का कार्यक्रम भी है, आप उचित समय पर आकर शोभा बढ़ाना। तुम्हारा अभिन्न मित्र रवि। विद्यालय के क्रीड़ा प्रतियोगिता के विषय में लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। यहाँ कुशल है, वहां ठीक होगा। समाचार ये है कि मेरे विद्यालय में पिछले सप्ताह क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, या आप ये जानकर खुश होंगे कि मैंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। माता के चरणों में मेरा प्रणाम है। विस्तार पूर्वक दोबारा लिखूंगा, आपका पुत्र नवीन। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए बहन के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। यहाँ सब कुशल है, वहां ठीक होगा। कल हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ। इस उत्सव में मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक महोदय थे। शिक्षा निदेशक कौन होता है? शिक्षा निदेशक मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। प्राचार्य ने विद्यालय का प्रतिवेदन पढ़ा। हमने नृत्य नाटिका की, मैंने पुरस्कार भी पाया। माता के चरणों में मेरा प्रणाम। विस्तार से दोबारा लिखूंगा, आपका भाई आरव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो जल्दी मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट डिमांड के साथ। टिल देन इस वीडियो को अपनी क्लास के साथ शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।